कैसे हो आप राधे राधे मैं संस्कृत टीचर आपकी देखो बच्चों ये कोरोना काल में जो इतना आप बच्चों का सभी का बहुत लॉस हुआ है पढ़ाई का स्कूलों में भी पढ़ाई नहीं हुई और वैसे तो आप कैसे पढ़ाई कर पाते तो बच्चों इसी बात को सोचकर मैंने ये संस्कृत की वीडियो वैसे तो और सब्जेक्ट तो आपके फिर भी थोड़े बहुत पढ़ाए गए हैं मैथ इंग्लिश साइंस लेकिन संस्कृत को तो किसी ने छूकर भी नहीं देखा लेकिन बच्चों और इसी वजह से आपकी रुचि भी नहीं रही अब पढ़ने में संस्कृत को लेकिन बच्चों संस्कृत संस्कृतम हमारे देश की संस्कृति हमारे देश का कल्चर ये हमारे संस्कृति से ही है और बच्चों संस्कृत को भी कोई आप ऐसे मत समझो कि ये ऐसे ही है इससे कुछ नहीं हमारा हो सकता ऐसा विचार नहीं रखते हैं क्योंकि यदि संस्कृत नहीं होगी तो हमारे देश की संस्कृति कहाँ से रह जाएगी जबकि बच्चों संस्कृत हमारी सबसे प्राचीन भाषा है इन्हीं संस्कृत से ही इन जो बाक़ी की सभी भाषाएं हैं बच्चों उनका जन्म हुआ है संस्कृत से ही शायद आपको ये नहीं पता क्योंकि जब पढ़ाया जाता है बच्चों को समझाया जाता है कोई भी विषय हो आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा तो बच्चों संस्कृत पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है टेंथ क्लास तक तो आपको संस्कृत पढ़नी ही पड़ती है और पास भी होना पड़ता है तो बच्चों थोड़ी तो रुचि आपको दिखानी पड़ेगी इसमें क्योंकि आप एक बात बताइए यदि आप संस्कृत में ध्यान नहीं दोगे संस्कृत को तो नहीं पढ़ोगे आप तो आगे चल कर देखो आपको यदि कभी ऐसा हुआ कि संस्कृत आपको पढ़नी भी पड़ गई तो कैसे करोगे आप तो यही विचार करके हमने बच्चों संस्कृत को शुरू से ही शुरू किया है ताकि बच्चों को जैसे हमारे कहीं कहीं पर तो फोर्थ से थर्ड से शुरू होती है संस्कृत कहीं फिफ्थ से सिक्स से शुरू होती है तो जब बच्चों को कुछ पता ही नहीं होगा तो बच्चों कैसे आप समझ पाओगे तो यही विचार कर बच्चों हमने ये संस्कृत वर्णमाला से ही शुरू किया है वर्णमाला क्या होती है देखो उस छोटी से छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े ना हो सके ठीक है और वर्ण तीन प्रकार के होते हैं स्व लेकिन हम खाली स्वर नहीं बोलेंगे स्व क्योंकि ये पीछे जो विसर्ग है ये है कि दे रहे व्यंजना अयोग्य वाह तो ध्वनि जैसे हम किसी भी शब्द को बोलते हैं और उसके हम ऐसे तोड़ के ना बोले तोड़ के मतलब जैसे मानो कोई भी एक शब्द है हमारा एक कोई भी शब्द आप ले लीजिए तो उसको उसके टुकड़े ना करके उसको पूरा का पूरा बोल कर जिसे जैसे हम संधि विच्छेद भी कई शब्दों के करते हैं इस तरह से करके अब स्व जिन अक्षरों के ये हमने आपको वर्ण समझाया है आगे आपका स्वर स्वर आता है जिन अक्षरों के उच्चारण में किसी दूसरे अक्षर की सहायता ना लेनी पड़े बेटे अक्षर क्या होता है और शब्द क्या होता है ये इसमें भी दोनों में बहुत अंतर है ये अभी मैं आपको बताऊंगी देखो अक्षर अभी बोला है हमारा मेन जो है ये है अक्षर अक्षर हमारे हो गए ए आ ए, ए, उ, उ, उ. ठीक है इनको भी बोलने का तरीका होता है जैसे ये ए है इस पर आ की मात्रा लगी है तो आ हो गया ये ई है इस पर बड़ी ई की मात्रा लगी है तो ई ए, ए आ ई उ आ, इस तरह से ये आपके जो है अक्षर हो गए आपके ठीक है अक्षर आपके कितने हैं ये तेरह वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन तो तेहरा अक्षर हो गए आपके ठीक है अब आपके ये आते हैं स्वर आपके स्वर के बारे में अभी मैंने बताया कि दूसरे अक्षर की सहायता ना लेनी पड़े ठीक है तो अब ये आते हैं स्वर तीन प्रकार के तीन प्रकार के होते हैं स्वर स्वर स्व स्वर दीर्घ स्वर ठीक है अब इनमें क्या अंतर है आप ये भी समझिए देखो बच्चों मेरा इन सब को समझाने का सिर्फ एक ही एक लक्ष्य है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए क्योंकि देखो यदि हम सीधे ही हम अपने पूरे लेसन पे या अपना किसी भी पूरे उस पर टारगेट पे हम पहुंच जाएं तो हमें जो पीछे का होता है जो जहाँ से हमारी मंजिल शुरू होती है वहाँ से आपको समझ नहीं आएगा तो इसीलिए मैंने शुरू से शुरू किया है ये आप चाहे फोर्थ फिफ्थ में पढ़ो या सेवन्थ एथ में पढ़ो शुरुआत यहीं से होती है हमारी ठीक है जिस प्रकार बच्चों जब आप शुरू में स्कूल जाते हो और आपको अक्षर ज्ञान दिया जाता है सबसे पहले जैसे ए ए बनाया जाता है इस तरह से करके ठीक है आपको डॉट डॉट करके इस तरह से वो बनाया जाता है और फिर उसके ऊपर आपको पेंसिल चलाने के लिए बोला जाता है ए ए भी ऐसे ए फॉर एप्पल तो इसी तरह हम संस्कृत में सबसे पहले संस्कृत वर्णमाला सिखाई जाती है बच्चों इन्हीं से अब आपको होगी कि मैडम अक्षर और शब्द क्या होता है देखो अक्षर तो आपके ये अलग अलग हो गए जैसे ए आ ई यू और इनको जोड़कर इन दो को जोड़कर जैसे हमने ए है ये और आ है कोई भी आप ले लीजिए इसको और इनको प्लस कर कर, कर दीजिए आप जैसे ए प्लस बे तो अब हो गया कै प्लस कब तो कब हो गया ये आपके अक्षर जुड़ गए तो बन गए आपका शब्द अब कब जब सब आदि आदि ठीक है तो अब ये देखो इसी प्रकार बच्चों ये अलग अलग चीज होते हैं कि जैसे अक्षर है स्वर स्वर और प्रलुप्त है स्वर ए आ ए, ए उ, ये राशि ऋषि है ल ल में नीचे र बोलते हैं इसको जिसे हम जब आप धातु लकार आप लिखोगे तो उसमें लिट जब ल में नीचे र बनाते हैं और टेल ले जाता है तो लिट लकार हो जाता है ठीक है वो हम आगे आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे फिर है ये दीर्घ स्वर दीर्घ स्वर में आ ई ऊ ऋषि आदि आदि ठीक है ये आता है पल्लुत शब्द ये अ जैसे हम साउंड निकालते हैं हर एक शब्द को बोलने के लिए अलग अलग साउंड निकलती है देखो जैसे कुछ शब्द होते हैं गले से निकलते हैं कुछ नोज से नाक से बोले जाते हैं कुछ कंठ से बोले जाते हैं तो ये अलग अलग है आने वाली वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी तो आपको यही है जैसे आई ई ओ ये आपके स्वर निकल रहे हैं ठीक है ऋषि आदि आदि था ओ जैसे हम बोलते हैं ओ तो ओ ये साउंड निकल रही है ना गले में से आपके तो इस तरह से इसकी ध्वनि होती है ठीक है तो आपको सबसे पहले मेरी इस वीडियो में मैंने आपको यही समझाया है शुरू से ही समझाया है आपको तो आपने यदि इसको अच्छे से समझ लिया तो अक्षर और शब्द दो चीज का अंतर आज को आज मैंने बता दिया कि इनमें क्या अंतर होता है क्या इस चीज का अर्थ होता है ये आपको मैंने बताया ये ध्वनि है ध्वनि मतलब जो आपकी निकलती है जैसे मैंने अभी बताया ओ, इस तरह से बोला है तो ये हमारे जो कंठ है इससे आवाज निकल रही है ध्वनि का मतलब आवाज निकलना ठीक है तो बच्चों देखो मैंने आपको ये समझाया और आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ भी आया होगा ये और यदि कुछ भी इसमें समझ ना आए या आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझसे दोबारा से भी आप पूछ सकते हो और मैं आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके समझाऊंगी ठीक है बच्चों तो मैंने बच्चों यही विचार कर कि जैसे लॉकडाउन रहा है कोरोना काल में आप सबकी पढ़ाई भी नहीं हो पाई है अच्छे से और देखो बाकी और सब्जेक्ट तो एक बार को साइंस और वो पढ़ाई भी गए हैं और बाकी संस्कृत हिंदी जैसे शब्द विषयों को तो कोई महत्व दिया ही नहीं गया लेकिन हिंदी और संस्कृत हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं आप मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ बच्चों जैसे आप बच्चे या बहुत होते हैं जो संस्कृत में रुचि नहीं लेते हैं लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे वेद पुराण हमारे जो हैं जब हमारी पूजा होती है पंडित जी हवन करते हैं तो वो भी तो संस्कृत में बोलते हैं वो हिंदी या इंग्लिश में क्यों नहीं बोलते हैं तो और उस टाइम आप कहते हो हमें पता ही नहीं लगता पंडित जी क्या बोल रहे हैं उनका अर्थ समझिए तब आपको लगेगा कि हाँ संस्कृत हमारी क्या है संस्कृत हमारी जान है क्योंकि यदि संस्कृत ना होती तो बाक़ी भाषाएं जो है हमारी उर्दू है फारसी है मैथिली है और आदि आदि जो जितनी भी हैं सब संस्कृत से ही जन्मी है संस्कृत इनकी माता है जन्नी है इनकी तो हमें भी तो उसका सम्मान करना चाहिए और बच्चों यही बात ध्यान में रखते हुए बहुत सी क्षेत्रों में तो अब संस्कृत का इतना प्रचलन हो गया है कि स्कूलों में भागवत को छत्तीसगढ़ जैसे छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों में भागवत को कंपलसरी कर दिया है जैसे इंग्लिश और मैथ पढ़ाना जरूरी है ऐसे ही भागवत पढ़ाना ज़रूरी है और मैं तो अपने यहाँ की सरकार से भी सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे सभी स्कूलों में संस्कृत को महत्व दिया जाए हमारी भागवत को महत्व दिया जाए ताकि हमारे बच्चों के अंदर संस्कार बने रहे संस्कृति बनी रहे और आपका जीवन भी बना रहे तो बच्चों आप सब से मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मैंने अपना पूरा प्रयास किया है आपको समझाने का और इसमें भी यदि कहीं कुछ वो रहा हो आपको समझने में तो आप दोबारा मुझे बोल सकते हो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हो तो बच्चों यदि मेरी इस वीडियो में आपको कुछ भी मेरा समझाना मेरा समझाने का तरीका या आपको इसमें कुछ भी समझ आया हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिए और यदि आपको कुछ भी कमी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में या अच्छा कुछ लगा हो और मुझे प्रोत्साहित करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में आप लिख कर भेजिए ठीक है बच्चों राधे राधे अगली वीडियो में हम आपको अभी इसका आपको मैंने स्वर समझाया है व्यंजन और आयोग्य वह बताऊंगी आपको समझाऊंगी उसके बाद आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लेके चले ठीक है बच्चों तो राधे राधे जय श्री कृष्णा